इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, तो बी पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि ये टी एफ ये पूछ रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैं अभी जानता हूं कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी, तो 2 into 28 into sin 30 डिग्री अपॉन जी कितना है, 9.8। पॉइंट गया तो नीचे टेन आ गया, 2 into 28 हो गया 56, sin 30 डिग्री कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई बाय ये 10 ऊपर चला गया, नीचे बचा 98 जिसको मैं लिखूंगा 49 into 2, 2 5 10, 7 8 56, 7 7 49, तो ये और ये 2 4 8, तो ये मेरे पास बचा 20 upon 7, 20 upon 7, 7 2 14, 20 minus 14 6, 60 60 आ गया, तो 7 8 56, 2.85 seconds। बताइए जी टाइम ऑफ फ्लाइट भी समझ में आ गया होगा। यस सर। उसके बाद ये पूछ रहे हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉट रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी कि पूरा का पूरा वो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहे हैं आपसे कि जब बॉल वापस सेम लेवल पर आ जाए, यानी कि पूरा डिस्टेंस कवर करके वो हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर ही आ जाती है, तो जो रेंज है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, साइन टू थीटा मतलब साइन इंटू साइन टू इंटू 30 डिग्री, और जी कितना हो गया 9.8, तो 28 into 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 मतलब √3/2 अपॉन 9.8 मतलब 98 upon 10, 10 ऊपर आ जाएगा, 2 14 28, 28 into 14 into √3 into 10 अपॉन 98 को लिखो 49 into 2, 2 7 14, 7 7 49, 7 4 28, तो ये आ जाएगा 40√3। तो वो 2.85 को 14√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो सेम ही है। हाँ वो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40√3 आ गया, 40√3 हो गया, बस इसको आप क्या करिए 40 मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री की वैल्यू को कितना 1.732, 1.732, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो तो हटा दो जरा, 4 2 8 लास्ट में लगा देंगे जीरो, 4 2 8 4 3 12 1 कैरी आ गया 4 7 28 और 1 29 2 कैरी आ गया 4 1 4 2 6 6 9 2 8 0 और 3 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा 69.28 69.28 0 यानी कि 69.28 मीटर। यही है इसका आंसर, ठीक है। बस बेटा इतना कर लीजिए, मैं आपको एक या दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद कराएंगे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके।